अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम माय उर्दू वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आप किस तरह से NBP Funds डिजिटल ऐप के थ्रू आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। NBP Funds डिजिटल ऐप के जरिए आप सहूलत सरमायाकारी अकाउंट में अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। NBP सहूलत सरमायाकारी एक इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स है जिसमें आप हलाल तरीके से सूद से पाक इन्वेस्टमेंट करके हलाल मुनाफा कमा सकते हैं। NBP Funds डिजिटल ऐप एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू ना सिर्फ आप NBP Funds में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बल्कि इसके साथ साथ बैंक की दूसरी सर्विसेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। NBP Funds डिजिटल ऐप में आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इसकी तफसील आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली हर मालूमाती वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। सबसे पहले ये नोट कर लें कि NBP Funds डिजिटल ऐप में अकाउंट रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत होगी। आपके पास अपना नादरा ID कार्ड होना जरूरी है, आपके मोबाइल पर रजिस्टर्ड सिम लगी होना जरूरी है जिसमें आपको एक्टिवेशन कोड रिसीव होगा, और आपके पास अपना वैलिड ईमेल आईडी होना भी जरूरी है। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर के सर्च में NBP Funds लिखकर सर्च करें। आपके सामने NBP Funds डिजिटल ऐप शो हो जाएगी। आप इसे इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन कर लें। जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस स्क्रीन पे शो होगा। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपकी स्क्रीन पर NBP सहूलत सरमायाकारी में इन्वेस्टमेंट के हवाले से मुख्तसर सी तफसील शो होगी। इस हवाले से इस ऐप के थ्रू ई बैंकिंग की सहूलत भी हासिल कर सकते हैं, ई ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट और मोबाइल पर इजी लोड भी कर सकते हैं। आप नेक्स्ट पर क्लिक करते रहें और लास्ट में डन के बटन पर क्लिक करें। आपके सामने NBP Funds डिजिटल ऐप की मेन स्क्रीन शो हो जाएगी। स्क्रीन पे जहां लिखा है ज्वाइन नाउ आप उस पर क्लिक करें। जब आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे दो ऑप्शंस शो हो जाएंगे। पहला ऑप्शन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर रजिस्टर नाउ और दूसरा ऑप्शन न्यू इन्वेस्टर ओपन अकाउंट नाउ। आप न्यू इन्वेस्टर ओपन अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपकी स्क्रीन पर सहूलत सरमायाकारी अकाउंट ओपन करने के हवाले से हिदायत शो होगी। आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर दें। आपके सामने क्रिएट एन अकाउंट के हवाले से पेज शो हो जाएगा। यहाँ अपना नादरा आईडी कार्ड या NICOP नंबर टाइप करें। उसके बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर टाइप करें। मोबाइल नंबर में 0 नहीं टाइप करना है, यानी अगर आपका मोबाइल नंबर 0333123456 है 3333123456 टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आप यहां ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपना मोबाइल ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे कि आपके मोबाइल में किस मोबाइल ऑपरेटर की सिम लगी हुई है। उसके बाद यहां पे अपना वैलिड ईमेल एड्रेस टाइप करें। ईमेल एड्रेस टाइप करने के बाद आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। आपकी स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले होगा कि आपके मोबाइल पर और आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर एक 4 हिंसों का OTP कोड सेंड किया गया है। आप वो OTP कोड्स नीचे टाइप करें। आपके मोबाइल पर जो OTP कोड SMS पे मौसूल हुआ है आप वो यहाँ पे टाइप करें, और ईमेल एड्रेस पर आपको जो OTP कोड रिसीव हुआ है आप वो यहाँ पर टाइप करें और प्रोसीड के बटन पे क्लिक करें। जब आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर पर्सनल डिटेल्स के हवाले से पेज शो हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना मुकम्मल नाम टाइप करें जैसा आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है। यहाँ पे अपने फादर या हस्बैंड का नाम टाइप करें जैसा उनके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अपनी वालदा का नाम टाइप करें जैसे उनके आईडी कार्ड पर लिखा हुआ है। अगर वालिद या वालदा या हस्बैंड का आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो ऐसी सूरत में आप इन फील्ड्स को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपनी जेंडर यानी मेल या फीमेल सेलेक्ट करें। उसके बाद यहां आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ की इंफॉर्मेशन देनी है। यहां बर्थ ईयर टाइप करें, यहां पे मंथ टाइप करें और यहां पर डे टाइप करें। उसके बाद अपने नादरा आईडी कार्ड पे मौजूद डेट ऑफ इश्यू टाइप करें। डेट ऑफ इश्यू टाइप करने के बाद यहां पे अपने आईडी कार्ड पे मौजूद एक्सपायरी डेट टाइप करें। अगर आपका नादरा आईडी कार्ड लाइफ टाइम बना हुआ है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करके अपनी सोर्स ऑफ इनकम यानी आपकी आमदनी का क्या जराया है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करें। ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करने के बाद कॉन्टेक्ट डिटेल्स देनी है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में यहाँ अपना मुकम्मल घर का पता टाइप करें। उसके बाद कंट्री में ऑटोमेटिकली पाकिस्तान आ रहा है। सिटी के ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करके अपनी सिटी सिलेक्ट करें। उसके बाद आपका जिस बैंक में भी अकाउंट मौजूद है
उसकी तफसील देनी है। एनबीपी फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि आपका एनबीपी में अकाउंट हो। आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो तो आप एनबीपी फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपने बैंक का नाम सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पे मैं इजी पैसा ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। तो मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू से इजी पैसा ऐप सिलेक्ट कर लिया है। बैंक अकाउंट टाइटल में आपका इजी पैसे का अकाउंट जिस नाम पर मौजूद है वो टाइप करें। अगर इजी पैसे का अकाउंट आपके अपने नाम पर है तो यहाँ पे आप अपना मुकम्मल नाम टाइप करें। उसके बाद IBAN वाले ऑप्शन में अपने इजी पैसे अकाउंट का IBAN नंबर टाइप करें। इजी पैसा अकाउंट का IBAN नंबर मालूम करने के लिए आप अपने इजी पैसे अकाउंट में लॉगिन हो जाएं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद अकाउंट सेटिंग्स पर क्लिक करें। अकाउंट सेटिंग्स में जाकर आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें तो आपके सामने यहाँ आपका IBAN नंबर शो हो जाएगा। आप ये वाला IBAN नंबर यहाँ पर टाइप करें। उसके बाद री इन्वेस्टमेंट और सेंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट पर क्लिक करें और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करें। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले होता है, थैंक यू फॉर साइन अप, और साथ में ये भी लिखा होता है आपका NBP का सहूलत सरमायाकारी अकाउंट ओपन करने की रिक्वेस्ट मौसूल हो गई है। और वेरिफिकेशन के बाद आपको ईमेल के जरिए इस बारे में मालूमात दी जाएगी और आप मजीद मालूमात के लिए NBP की हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं। आप क्लोज के बटन पे क्लिक कर दें। 1 से 2 दिन के अंदर आपको नेशनल बैंक की जानिब से ईमेल सेंड किया जाएगा जिसमें लिखा होगा कि आपका अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है। ईमेल पे जहां लिखा है क्लिक हियर, आप उस पर क्लिक करके लॉगिन डिटेल सेट करें और NBP डिजिटल फंड्स ऐप को यूज करें। जब आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहां पे अपना यूजर नेम टाइप करें। यूजर नेम आप अल्फा न्यूमेरिक रखें, मिसाल के तौर पे Salman123। यूजर नेम टाइप करने के बाद आप चेक पर क्लिक करें। अगर यूजर नेम अवेलेबल होगा तो आपकी स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले होगा, यूजर ID इज अवेलेबल। आप ओके पर क्लिक कर दें। उसके बाद आप पासवर्ड सेट करेंगे। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स और ज्यादा से ज्यादा 20 कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल होगा। पासवर्ड में आप अपना यूजर नेम टाइप नहीं कर सकते। पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक न्यूमेरिक कैरेक्टर और एक स्पेशल कैरेक्टर शामिल होना जरूरी है। मिसाल के तौर पे Pakistan@123। पासवर्ड टाइप करने के बाद सेम वही पासवर्ड दोबारा कंफर्म पासवर्ड वाले ऑप्शन में टाइप करें। उसके बाद क्रिएट ट्रांजैक्शन कोड में आप कोई भी 4 हिंसों का ट्रांजैक्शन कोड सिलेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पे 0345, और सेम यही ट्रांजैक्शन कोड कंफर्म ट्रांजैक्शन कोड वाले ऑप्शन में टाइप करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें। नेक्स्ट स्क्रीन टर्म्स एंड कंडीशन के हवाले से है। यहाँ जहाँ लिखा है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द टर्म्स एंड कंडीशन एंड एग्री टू अबाइड देम, और प्रोसीड के बटन पे क्लिक करें। जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर SMS के जरिए और ईमेल पर एक OTP कोड यानी वन टाइम पासवर्ड मौसूल होगा। जो OTP कोड आपको ईमेल पे मौसूल हुआ है आप वो ईमेल OTP वाली जगह पर टाइप करें, और जो OTP कोड आपको मोबाइल SMS पे मौसूल हुआ है आप वो OTP कोड SMS OTP वाले ऑप्शन पे टाइप करें। अगर आपको OTP कोड मौसूल नहीं हुआ तो आप रीसेंड OTP पे भी क्लिक कर सकते हैं। SMS OTP और ईमेल OTP टाइप करने के बाद आप सबमिट के बटन पे क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका यूजर अकाउंट NBP फंड्स में रजिस्टर्ड हो चुका है। अब आप NBP फंड्स डिजिटल ऐप में अपना यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन हो सकते हैं। फ्यूचर वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि NBP फंड्स ऐप को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। NBP फंड्स ऐप में इन्वेस्टमेंट के हवाले से NBP फंड्स की हेल्पलाइन पर भी आप कॉल करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको NBP फंड्स डिजिटल ऐप में अकाउंट रजिस्टर्ड करने के हवाले से ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।